सोशल नेटवर्किंग के जमाने में दोस्तों सबसे ज्यादा कौन सा ऐप यूज होता है? क्या लगता है आपको? एनी गेस? जी हाँ, व्हाट्सएप ही सबसे ज्यादा यूज होता है। चलिए चलते हैं, आज मैं आपको बताने जाने वाला हूँ व्हाट्सएप के नए फीचर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं नॉलेज लीड चैनल। व्हाट्सएप अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो तुरंत प्ले स्टोर में जाके अपडेट करें, क्योंकि मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है जबरदस्त व्हाट्सएप के फीचर। सबसे पहला जो फीचर है, व्हाट्सएप ने अपने साइज को रिड्यूस किया है। व्हाट्सएप का जो ऐप का जो साइज है वो आने वाले अपडेट में आपको 6 MB के अप्रोक्स साइज उसका 6 MB तक रहेगा। इससे क्या होगा कि आपके मोबाइल में अगर कम मेमोरी है तो भी आप व्हाट्सएप प्रॉपर तरीके से चला सकेंगे। दूसरा जो फीचर है वो है व्हाट्सएप में लाइव लोकेशन शेयरिंग। मतलब इसमें आपको लाइव रियल टाइम लोकेशन मिलेगा, आप किसी भी व्यक्ति का लोकेशन देख सकते हैं मोबाइल के ऊपर, लाइव उसको ट्रेस कर सकते हैं, लाइव उसको देख सकते हैं। चलिए देखते हैं वो लाइव लोकेशन शेयरिंग कैसे होता है। सबसे पहले तो आपको मोबाइल में प्ले स्टोर में जाके पहले व्हाट्सएप अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करने के बाद उस व्यक्ति का कॉन्टैक्ट ओपन करो। कॉन्टैक्ट ओपन करने के बाद उसके अटैचमेंट में जाओ, वहां पे लोकेशन सिलेक्ट करो। लोकेशन सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे लाइव लोकेशन, लाइव शेयर लाइव लोकेशन और सेंड योर करंट लोकेशन, ऐसे दो ऑप्शन आएंगे। तो इसमें से जो पहले वाला जो था वो है सेंड योर करंट लोकेशन। इसमें दोस्तों सिर्फ हमें यहाँ पे जितने भी लोकेशन मार्क किए हुए हैं, जो गूगल मैप के ऊपर जो मैप किए हुए लोकेशन है वो लोकेशन आपको यहाँ पे दिखता है। लेकिन अगर सपोज आपने यहाँ पे शेयर लाइव लोकेशन इसके ऊपर अगर क्लिक किया तो दोस्तों आपको अपना सामने वाले व्यक्ति को रियल टाइम लोकेशन पता चलेगा। तो आप जहां जहां पे जाएंगे वहां वहां का वो लोकेशन सामने वाले लोगों को दिखेगा, जिससे आप वो लोकेशन शेयर किया है उसको शेयर करने वाले को दिखेगा। इसमें आपको 15 मिनट के लिए आप लाइव लोकेशन शेयर कर सकते हो, 1 घंटे के लिए भी शेयर कर सकते हो, चाहिए तो 8 घंटे के लिए भी शेयर कर सकते हो और नीचे कमेंट में लिखते हो। तो इस तरह आप व्हाट्सएप से भी आप अपना लोकेशन जो है वो कंफर्म कर सकते हैं। यह है नया फीचर। अगर ये फीचर आपके मोबाइल में एनेबल नहीं हुआ होगा तो आप एक बार व्हाट्सएप अपडेट करें। अपडेट करने के बाद भी अगर ये फीचर एनेबल नहीं होता है तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, 1-2 दिन में आपको भी नया अपडेट फिर से आएगा, उसमें आपको ये लाइव लोकेशन शेयरिंग का फीचर जो है वो भी आपको मिलेगा। क्योंकि व्हाट्सएप जो है वो स्टेजिंग वाइज अपडेट भेज रहा है तो उसकी वजह से ये आने में आपको 1-2 दिन लग सकते हैं। अगर आपके मोबाइल में अपडेट हुआ है तो आप अभी से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नए वीडियोस लेके मैं हर रोज आता रहूंगा। आज के लिए इतना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलिए, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हाँ सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, क्योंकि जो आने वाले नए वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलेंगे। चलिए चलते, जय हिंद।